जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कृष्ण सेन और ये हमारा करंट अफेयर्स की जो वीडियो की सीरीज जो चल रही है, करंट अफेयर्स की जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसकी तीसरी पार्ट है। ठीक है, तो ये वीडियोस जो है करंट अफेयर्स का, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऐसा बोलने को नहीं है, लेकिन आपका जब एग्जाम आप देने जाइए, उसका जब एकदम एक गुच्छा जो क्वेश्चन निकलता है ना एग्जाम हो जाने के बाद, उसमें आप करंट अफेयर्स देखिएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो ये तीसरा सीरीज है और इसमें हम काफी सारे चीज डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें जो चेयरमैन हेड्स है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है, हु इज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी आईबी। आईबी आप सभी को पता है, रॉ, आईबी, ये सब हमारे भारत की खुफिया विभाग है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड कौन है? आईबी अगर बात करूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड कौन है? तो सबसे पहला अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है, प्रवीण सूद। क्या है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद किसका हेड है? तो ये सीबीआई का हेड है। सीबीआई, सीबीआई बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सीबीआई का हेड है। राहुल नवीन की अगर बात करते हैं तो ये ईडी का हेड है। ईडी, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो जो आंसर है वो है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका, तपन कुमार जो डेका है ये आईबी का हेड है। तपन कुमार डेका ये आईबी का हेड है। ठीक है, तपन कुमार डेका ये आईबी का हेड है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए, रवि सिन्हा किस डिपार्टमेंट का हेड है? रवि सिन्हा किस डिपार्टमेंट का हेड है? आप ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश की सबसे बड़ी नौकरी है, सर्विस है जो, तो यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो तपन कुमार डेका, हमने अभी पढ़ा कि तपन कुमार डेका जो ये आईबी का हेड है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। एस किशोर की अगर बात करते हैं, एस किशोर, ठीक है, ये तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जो एसएससी जो एग्जाम कराती है, जिसकी आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, उसका ये हेड है। एसएससी का हेड है ये एस किशोर। तो यूपीएससी का जो हेड है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी जो हेड ये है यूपीएससी का हेड। और एन के सिंह कौन है? ये है 15th फाइनेंस कमिश्नर, 15th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमिश्नर, कमीशन का हेड है, कमीशन। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन का हेड है एन के सिंह। ठीक है, और यूपीएससी का अगर चेयरमैन की बात करते हैं तो वो है मनोज सोनी। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ का हेड कौन है? बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारा जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं यानी जो बाउंड्री में अगर बोला जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ये फोर्स है बाउंड्री लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इनका जो मोटो है वो है आपका ड्यूटी अनटू डेथ, यानी क्या बोलते हैं उसको, जब तक जान है तब तक देश पे कुर्बान है। ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ, ये बीएसएफ का लोगो है। और बीएसएफ की अगर स्थापना की बात कर दूं तो वो है 1965 में हुआ था। बीएसएफ की स्थापना की बात करूं तो ये 1965 में हुआ था। और बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर में रहता है, पाकिस्तान बॉर्डर में और बांग्लादेश बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर में ये तैनात रहते हैं बीएसएफ जवान। ठीक है, तो बीएसएफ का हेड कौन है? तो बीएसएफ का हेड है नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का हेड की बात करें तो वो है नितिन अग्रवाल। अच्छा, SL-1000 अगर आपको पता है तो ये सीआरपीएफ के हेड है। SL-1000 जो है ये सीआरपीएफ का हेड है। अच्छा, सीआरपीएफ कब फाउंड हुआ था? तो सीआरपीएफ हुआ था 1939 में फाउंड हुआ था। सीआरपीएफ 1939 में फाउंड हुआ था। सीलवर्धन सिंह, सीलवर्धन सिंह ये किनकी हेड है? तो ये सीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का हेड है। ठीक है, और सीएसएफ कब फाउंड हुआ था? सीएसएफ फाउंड हुआ था 1969 को, यानी सीआरपीएफ के 30 साल बाद सीएसएफ की स्थापना की गई थी। और एम ए गणपति ये है हमारे ब्लैक कैट कमांडोज यानी एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड। और एनएससी की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चेयरमैन है जो काफी सारे कमीशन के जो हेड है वो देख लेते हैं। जो सेवेंथ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन के हेड कौन है? अशोक कुमार माथुर। सेवेंथ पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार माथुर। फिर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेड कौन है यानी चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरमैन है वो है रेखा शर्मा। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई का चेयरमैन कौन है? वो है निधि चिब्बर, निधि चिब्बर। फिर ये चेयरमैन ऑफ टीआरआई, ट्राई, ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ट्राई का हेड कौन है यानी चेयरमैन कौन है? पीडी बघेला। ट्राई का जो चेयरमैन है वो है पीडी बघेला। फिर आपका चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी बोले तो
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? माधवी पुरी बूची, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सेबी का, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, तो द आंसर विल बी माधवी पुरी बूच। और अगर पूछा जाए हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, तो वो भी माधवी पुरी बूच जी है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ सेबी माधवी पुरी बूच। फिर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स के लिए जो नेशनल कमीशन है उनका चेयरमैन कौन है? तो वो है प्रियंक कनुनगो, प्रियंक कनुनगो। फिर है फर्स्ट वुमेन चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बना है इस बार? तो वह है जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड की बात करी जाए तो वह है जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको पिक्चर देख के ही पता चल रहा होगा ये हमारी देश की जो पीटी उषा है, ठीक है, ये द आंसर इज पीटी उषा। पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड है, ठीक है। पीटी उषा का पूरा नाम है पीला भूला कैंडी थेके परम्बुल उषा, ठीक है, पीला भूला कैंडी थेके परम्बुल उषा। और इसे पायोली एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस नाम से भी पीटी उषा को, पीटी उषा जी को जाना जाता है, ठीक है, पीटी उषा। और हेमंत विश्व शर्मा कौन है? ये भारत के जो बैडमिंटन फेडरेशन है ना, बैडमिंटन उनकी उनके हेड है, ठीक है, बैडमिंटन बैडमिंटन जो फेडरेशन उनका हेड है। दीपा मलिक की बात की जाए तो ये, जैसे पीटी उषा की बात करते हैं तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड है, सेम दीपा मलिक है इंडियन पैरालंपिक, आप सभी को पता है पैरालंपिक गेम, तो इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन का हेड है। और मेघना अलावत जी की बात करी जाए तो ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेड है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेड है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेड है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड है, जैसे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो वो है रॉजर बिन्नी, रॉजर बिन्नी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी। फिर अगर देखते हैं आर्चरी, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो वो है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, ये एक ही एन होगा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। फिर डीजी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, ये कभी कभी आपको ऐसा भी लिख सकते हैं साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? नीलम कपूर, नीलम कपूर। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस चेस फेडरेशन का हेड कौन है? वो है संजय कपूर जी। और कोच, जो कोच है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का, वुमेन्स क्रिकेट टीम, अगर मेन्स को क्रिकेट टीम की बात करें वो है राहुल द्रविड़, अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करी जाए तो वो है अमूल मजुमदार, अमूल मजुमदार, ठीक है। चेस से लेके एक सवाल मैं बोल देता हूँ, जो चेस है ना, चेस चेस में होती है जो इंडिया में टॉप करती है उसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। पहला ग्रैंड मास्टर जो इंडिया का था वो कौन था? वो था आपका यार, जिसको 1988 में ग्रैंड मास्टर बना था वो नाइन विश्वनाथन आनंद था, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, ये तमिलनाडु के थे, ठीक है। और 1988 में ये सब भारत के सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर है वो बने थे, ठीक है। और आर्चरी की बात करी जाए तो मैंने काफी आर्चरी प्लेयर्स का नाम कहा आपको, ठीक है, जैसे राहुल बनर्जी है, दीपा डोला बनर्जी है, फिर आपका अतनु दास है, अतनु दास, फिर अभिषेक वर्मा, फिर आपका लिम्बा राम, ठीक है, पूर्णिमा महातो, ठीक है, लक्ष्मी रानी माझी, ये सब जो है वो सब आर्चरी प्लेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई राफाल। अच्छा, सबसे पहला राफाल चलाने वाली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन थे, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये भारत के महान जो फाइटर पायलट है वो रफाल चलाए थे इन्होंने, ठीक है, उनका नाम है शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह, ये शिवांगी सिंह जी की तस्वीर है, शिवांगी सिंह। और इन्होंने जो रफाल हम लोग खरीदे हैं फ्रांस से, उसका फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है ये अवनी सिंह, सॉरी शिवांगी सिंह। और अवनी चतुर्वेदी की बात की जाए तो ये इंडिया का फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है, सिर्फ वुमेन फाइटर पायलट की अगर बोल दे, इंडिया का फाइटर पायलट अगर सिर्फ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बोल दे तो है अवनी चतुर्वेदी, बट अगर फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाल बोले तो वो होगा आपका शिवांगी सिंह। अच्छा, आप सबको भावना कांत में भी कंफ्यूज हो सकता है, भावना कांत है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, बोलेंगे भाई ये तो सेम हो गया, अरे रुको जरा सबर करो, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हु टेक्स पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे में जो होती है ना, जो एयर शो होती है, तो वो पहली भारतीय महिला थी फाइटर पायलट की जो रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था, वो था भावना कांत। और शिवांगी जोशी की बात करी जाए तो ये है इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट
नेवी पायलट, यानी नेवी में भी तो पायलट होता है ना जो, ठीक है, तो उनका हेड वो फर्स्ट फाइटर पायलट फ्रॉम नेवी जो है वो है शिवांगी जोशी। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और कुछ देख लेते हैं फेमस इंडियन वुमेन। अगर फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन की बात करें, सेल सेल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंटरमीडिएट तो है शोभा मंडल। शोभा मंडल फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेल की बात करी जाए, शोभा मंडल, हाँ ये वाला है वो फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का फर्स्ट पायलट कौन था? वो है शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी, फिर सीएम, एक दिन किया सीएम, ये अनिल कपूर का जो पिक्चर था ना नायक, वो नहीं है, ये हकीकत का है, ठीक है, नायिका। तो सीएम फॉर वन डे ऑफ उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट का जो एक दिन के लिए सीएम बना था वो कौन था? वो सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी जो है वो उत्तराखंड स्टेट का एक दिन का सीएम बना था, ठीक है। फिर इंडिया यंगेस्ट फीमेल फाइटर पायलट, यंगेस्ट सबसे कम उम्र का फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, देखिए ये दोनों सेम है, इंडिया यंगेस्ट फीमेल ये कॉमर्शियल पायलट है और ये फाइटर पायलट। फाइटर पायलट जो डिफेंस के अंदर आती है, कॉमर्शियल पायलट यानी जो वो जो डोमेस्टिक फ्लाइट जो उड़ाते हैं वो है, ठीक है। तो इंडिया का अगर सबसे यंगेस्ट फाइटर पायलट कही जाए तो वो है आयशा अजीज, आयशा अजीज। और इंडिया का यंगेस्ट फीमेल कमर्शियल पायलट अगर कही जाए तो वो है साक्षी कोचर, साक्षी कोचर, ठीक है। तो बस इतने था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।